अगर आपने आज की मेरी ये वाली रेमेडी अपने बालों में लगा ली तो सचमुच आपकी बालों की 100 समस्याओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा हेयर पैक है, तो वीडियो पूरा देखें। देखिए, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या बन चुकी है और काफ़ी लोगों ने इसे इतना ज़्यादा सर पे हावी कर लिया है। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या मुझे हो रहा है, किसी को हो रहा है, तो ये बहुत ही भयानक बीमारी आपको हो चुकी है और अब ये ठीक नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको हेयर फॉल हो रहा है और ये हेयर फॉल आपका ठीक नहीं होगा, तो आप एकदम गलत सोचते हो। देखिए, आप इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अपने खान पान को आपको थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आजकल आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा भाग का तला भुना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहे हो। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी डाइट पर। आप ये देखिए कि आप ऐसी कौन सी चीज़ ज़्यादा अपनी डाइट में ले रहे हो जिसकी वजह से जो आपका हेयर फॉल है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरा, आपको ध्यान देना है ऐसी कौन सी चीज़ें डाइट में जिसे आपने उसे खाना ही छोड़ दिया या फिर आपने पीना छोड़ दिया, उसकी वजह से जो आपका हेयर फॉल है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट पर ध्यान देते हो, टाइम टू टाइम अपने बालों को धोते हो, टाइम टू टाइम अपने बालों को ट्रिम करते हो और टाइम टू टाइम अपने बालों पर ऑयलिंग करते हो, हेयर मास्क लगाते हो, तो आपका हेयर फॉल हमेशा के लिए कंट्रोल हो सकता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट पर ध्यान देना है। मान लीजिए हम 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और उस समय पे डैंड्रफ की वजह से हमारे बालों में खुजली चलने लगी और आप सबके सामने इस तरीके से खुजलाओगे तो आपको बहुत ज्यादा शर्म आएगी, है ना। तीसरा ये है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है ये रुकी हुई है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको कुछ ऐसा करना है जो आपकी हेयर ग्रोथ है दोबारा से होना स्टार्ट हो जाए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताने वाली हूँ, अगर आपके बाल टाइम से पहले सफ़ेद होने लगे हैं तो उनको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो पूरी तरीके से आपके बालों को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा और आपकी जो स्कैल्प है एकदम क्लीन हो जाएगी। अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी हेयर ग्रोथ होने लगेगी, आपके बालों की लंबाई बढ़ने लगेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो आपके बालों में एक नेचुरल चमक आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हेयर पैक आपको किस तरीके से बना के और अपने बालों में लगाना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और जल्दी से मेरे 3 मिलियन कम्प्लीट करा दीजिए। मुझे आप सभी की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक हेयर पैक तैयार करेंगे। हेयर पैक बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी छाछ या दही। मैंने यहाँ पे लिए छाछ, और अगर दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन को सूट नहीं करती या फिर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप सादा पानी भी ले सकते हो और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा, आपको इसके अंदर डालना है नीम पाउडर। जो मैंने यहाँ पर नीम पाउडर लिया है इसकी भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस का, और नीम पाउडर के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये एक्ने होने से बचाता है, साथ में आपके स्कैल्प की हेल्थ को प्रमोट करता है और आपको हेयर ग्रोथ करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एल्प्स गुडनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि ये 100% नेचुरल और केमिकल फ्री होते हैं और ये ऑल टाइप स्किन और हेयर के लिए बने हुए होते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने स्किन और हेयर केयर में, इन्हीं से ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए, दूसरा आपको इसके अंदर डालना है, ये भी मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, और ये आपके बालों को मजबूत करता है, साथ में डैंड्रफ होने से बचाता है, आपको तनाव से दूर रखता है और ये भी 100% नेचुरल और केमिकल फ्री है, साथ में ऑल टाइप स्किन और हेयर के लिए बना हुआ है। तो दोनों ही प्रोडक्ट को अगर आप लेना चाहते हो, इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ही चीज़ों को आपको आपस में मिलाना है, अच्छे से इसका एक पैक तैयार करना है। जो आप ये पैक तैयार कर रहे हो ना, ये आपको 20 मिनट के लिए अपने बालों में लगाकर छोड़ना है, तो इसलिए आपका जो पैक है ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बनाने के बाद आप इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सेट करने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे लगाने का तरीका। तो देखिए, 2 से 3 मिनट पैक को छोड़ने के बाद अगर आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है तो सचमुच आपके बालों में बहुत ही गजब की चमक आएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे रहते हैं तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ की समस्या आपके बालों को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी और आप खुद हैरान हो जाओगे जब इसे आप पैक को लगा के और कुछ टाइम के लिए ट्राई करोगे, तो आप देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग अपने बालों में देखने को मिलेगी।
तो लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें, कॉम कर लें। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। बालों को सुलझाने के बाद इस तरीके से आपको क्या करना है, छोटे छोटे बालों को, मतलब छोटे छोटे नहीं सॉरी थोड़े थोड़े बालों को आप साइड में करते चलिए और इसे पैक को आप जड़ों में लगाइए। सबसे पहले तो आप इसे अच्छे जड़ों में लगाइए, जड़ों को इसे कवर कीजिए। इसे लगाने के बाद जब आपको लगे आपके पूरे बाल अच्छे से कवर हो चुके हैं और जड़ में अच्छे से ये पैक लग चुका है, उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है। और मसाज के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है, बहुत ज़्यादा रगड़ के आपको मसाज नहीं करनी है। एकदम हल्के हल्के हाथों से कम 5 मिनट के लिए आप मसाज करिए। अगर आपका हेयर पैक बच जाता है तो आप लेंथ में जितने भी आपके बाल हैं उसमें आप लगा लीजिए, लेकिन आपको अभी जो ध्यान देना है ना, अपनी जड़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है हमारी स्कैल्प में होती है, जिससे आपकी जो स्कैल्प है एकदम क्लीन हो जाए और डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। मैंने इसके अंदर डाली है छाछ या दही, दोनों में से आप अगर आप कुछ भी लेते हो ना, तो एक नेचुरल कंडीशनर का ये काम करती है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा मतलब बाल आपके रूखे सूखे रहते हैं तो आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में छाछ और दही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लंबे समय तक आपके बालों को काला बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप रेगुलर अपने बालों में दही या छाछ लगाते हो, हफ्ते में 2 से 3 दिन भी लगाते हो, तो आप देखोगे टाइम से पहले आपके बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे और नेचुरल कलर आपके बालों में बना रहेगा। तो इसलिए आपको दही और छाछ अपने बालों में ज़रूर लगानी चाहिए। और आज जो पैक मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, इस पैक को लगाने के बाद आपके जो हेयर की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पहले मैंने अपनी जड़ों में लगा लिया, जो बचा था उसे मैंने लगा लिया अपनी बैक साइड में, पीछे की साइड मतलब जो बाल रह गई थी, जड़ रह गई थी, वहाँ पर इस तरीके से पूरा पैक मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, हल्के हल्के हाथों से करूँगी मसाज, और मसाज के लिए मैं कम से कम 5 मिनट का टाइम ज़रूर निकालूँगी। जो मैंने हेयर पैक इतनी मेहनत से बनाया है, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से इसे बालों में लगाकर छोड़ते हैं, पूरा टाइम देते हैं, तो ये भी अपना काम अच्छे से करेगा। लगाने के बाद मैंने इसे छोड़ा कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैंने अपना सिंपल पानी से और अपना शैम्पू कर लिया, अपने बालों को धो लिया। धोने के बाद आप देखोगे आपके जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और शाइनी आपको नज़र आएंगे। और अभी मैंने 2 दिन पहले ट्रिम करी थी हल्की हल्की नीचे से, तो उससे आपको मेरे जो बाल हैं थोड़े से छोटे लग रहे होंगे। देखिए जीवन में आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आप लोग जानते हो कि हम जब मेहनत करते हैं ना, जो हमारी मेहनत है वो एक दिन रंग जरूर लाती है, वो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो आपको मेरी बातें सुन के चुपचाप से नहीं बैठे रहना है, आपको खड़े होना है, फटाफट से अपने किचन में जाना है और जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई है इन्हें निकाल के अच्छा सा एक हेयर पैक बनाइए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और इसे अपने बालों में लगाना स्टार्ट करिए जिस तरीके से मैंने आपको बताइए। अपनी अच्छे से हेयर ऑयलिंग कीजिए, अपने बालों को टाइम टू टाइम वॉश करिए, इससे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको अपने बालों में दिखाई देगा। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। अब आपसे मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।